हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इन समर्स में, क्योंकि जो समर्स हैं बहुत हार्श होती हैं हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, यहां तक कि हमारी पूरी बॉडी के लिए। तो चलिए सीधा चलते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं इन गर्मियों में। तो सबसे पहले बात करेंगे फेस की, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने पास ज़रूर कैरी कीजिए रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है काफ़ी फ्रेशनेस देता है आपको, और एक भीनी भीनी खुशबू है जो आती है रोज़ वाटर में से। तो आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक लें। मैं यूज़ करती हूँ ये कामा का रोज़ वाटर, लेकिन आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो आपको सूट करता हो। सिर्फ इतना याद रखें कि उसे रखें छोटी बॉटल में, जिससे आप उसे कैरी कर सकते हैं अपने हैंडबैग के अंदर। जिससे कभी भी आप बाहर हैं और आपको बहुत डल लग रहा है अपना फेस, तो आप इसको स्प्रे कर लीजिए, तो काफी फ्रेश फील होगा आपको इमीडिएटली। और वो लोग जो काम पर जाते हैं या दिन में कहीं जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो फेस की स्किन है काफ़ी झुलस जाती है, काफ़ी डल हो जाती है। तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए कोई फेस पैक। और जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वो जैसे ये मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क है, ऐसा कोई फेस मास्क ले सकते हैं। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी प्रोडक्ट्स हों, जो भी इन्ग्रीडियंट्स हों उसके अंदर, वो नेचुरल हों। जैसे कि इसमें टर्मरिक है, सेफ्रॉन है, एप्रिकॉट ऑयल है। तो जिन लोगों की भी ड्राई स्किन होती है, तरीके के जो मास्क होते हैं उसे आप नहाने से पहले 2 मिनट पहले लगा लीजिए, और उसके बाद जब आप नहाएंगे तो स्किन काफ़ी सॉफ्ट लगती है, काफ़ी फ्रेश रहती है लंबे टाइम तक। तो आप इसे हैंडी रख सकते हो अपने बाथरूम एरिया में, और जिससे कि आप इसे लगाना ना भूलो नहाने से पहले। और मुझे लगता है फेस मास्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी फेस के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, फेस की नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए। और आप नोट करोगे कि जब भी आपकी जो फेस है, बॉडी है, हाइड्रेटेड रहती है, तो काफी ज्यादा ग्लो दिखता है फेस के ऊपर। तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छे मास्क में इन समर्स के अंदर। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एप्सोम बाथ सॉल्ट, और इसको मैंने मंगवाया अमेज़ॉन से। और अमेज़ॉन पर अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, यहाँ तक कि आपको कैशबैक भी मिल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर अभी। और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सॉल्ट जो है आप मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको अगर आपके घर में बाथ टब है तो उसके अंदर डालकर पानी में अपनी बॉडी को सोक कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। ये जॉइंट्स को रिलैक्स करता है। मेरे घर में जैसे बाथ टब नहीं है, और जैसे अगर आप लोगों के घर में भी बाथ टब नहीं है, तो आप इसको थोड़ा इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इस सॉल्ट के अंदर मिला सकते हो बॉडी वॉश, और आप इसके अंदर मिला सकते हो कोई सा भी ऑयल। आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल मिला सकते हो, मैंने यहाँ पर मिलाया है कोकोनट वर्जिन ऑयल, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और खासकर फीमेल हाइजीन के लिए जो कोकोनट वर्जिन ऑयल होता है वो बेस्ट होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप अपने जब नहाने जाते हो तो बॉडी पे अच्छे तरीके से इस पेस्ट से मसाज करो, और उसके बाद बॉडी को रिंस कर दो, तो आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा। और वो लोग जो काम पर जाते हैं या जो जिन लोगों को भी जॉइंट पेन्स रहते हैं, तो वो एक बकेट ले सकते हैं या टब ले सकते हैं, और इस सॉल्ट को उसमें डाल सकते हैं। आप अप्रॉक्सीमेटली 8 टीस्पून के करीब, हाफ कप के करीब इस सॉल्ट को डालिए, और 10 मिनट तक अपने पैरों को सोक कर लीजिए। तो जितने भी आपके पेन्स हैं वो आपको फील होगा कि उसमें काफ़ी फर्क पड़ा है, आपको रिलैक्स फील होगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है अमेज़ॉन से। ये मेरी सेकेंड बॉटल है, तो मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, और ये समर्स की थकावट मिटाने के लिए आपको बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है अंडर आर्म्स में। और आपने देखा होगा कि जब अंडर आर्म्स में स्वेट आता है तो आपके कपड़ों के ऊपर एक निशान बन जाता है, और वो कितनी बार ड्राई क्लीनिंग से भी नहीं जाता। और मैं तो बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं विक्टिम हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मेरे को अंडर आर्म्स में बहुत स्वेटिंग होती है और मेरे बहुत सारे कपड़े जो हैं ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट ने मेरी बहुत मदद की है। और इस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं इस किस्म के पैड्स, और ये
पैड्स होते हैं इस एक पैकेट के अंदर और ये खुला हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्वेट पैड्स को यहाँ से इसमें ये रिमूव करिए और उसके बाद रिमूव करने के बाद आप इसे अंदर की तरफ से अपने कपड़ों में इस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे कि जो स्वेट है उसको ये पैड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो जो स्वेट है वो आपके कपड़ों पर नहीं आएगा, तो जिससे निशान जो है बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये आपको बहुत मदद करता है, एक बार आप लगाकर छोड़ दीजिए, जब आप उस कपड़े को धोएं तो ज़रूरी है कि आप इसको रिमूव कर दें। काफ़ी इजीली आप ऐसा कर सकते हैं। मैं अब अपने हर एक कुर्ता सेट में जो है ये लगा देती हूँ, खासकर जिसको पहन के मैं बाहर जा रही हूँ। और जो पेस्टल कलर्स के कपड़े होते हैं उनमें तो वो जो निशान है बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं समर्स में, जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा अंडर आर्म स्वेटिंग होती है और वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है समर्स में, खासकर फेस की स्किन, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र लेना चाहिए जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे। और ये है बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र। ये बायोडर्मा ने मुझे घर पर भिजवाया था बहुत टाइम पहले और मैं तब से इसको यूज़ कर रही हूँ। ये अब मेरी सेकेंड बॉटल है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये मॉइस्चराइज कम प्राइमर है, तो अगर आप मेकअप करते हैं या आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि आपको मेकअप करना पड़ता है तो ये प्राइमर का भी काम करता है और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। आपका जो फेस है वो आपको फील होगा कि काफी ज्यादा हाइड्रेटेड रहता है इसको यूज करने के बाद। तो जिन लोगों की भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ये अच्छा प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो है टूल्स, लाइक ग्रूमिंग टूल्स आप इन्हें बोल सकते हैं। तो समर्स में होता ये है कि जो हमारे बाल हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रीसी हो जाते हैं और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता कि हम अपने बालों को रोज धो सकें। तो एक ये प्रोडक्ट है जिसको आप इस तरीके से अपने हाथ में पहन सकते हैं और आप जब भी शैम्पू करें तो इसको इस तरीके से अपने बालों को साफ कर सकते हैं शैम्पू लगाने के बाद। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, इसके जो ब्रिसल्स हैं बहुत सिलिकॉन के बने हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, तो आपके हेड पर हल्की हल्की मसाज भी होगी और जो शैम्पू है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करेगा आपके बालों को, क्योंकि जब हम फिंगर्स को यूज करते हैं तो हम सबकी एक मसल मेमोरी बन जाती है, हम उसी तरीके से अपनी फिंगर्स को घुमाते हैं अपने बालों में शैम्पू करते वक्त। लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो आप फील करेंगे कि जो आपके बाल हैं वो ज्यादा टाइम तक साफ रहेंगे। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। मैंने पहले के भी एक वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर किया था। और जो लोग ऑयलिंग करते हैं और हाथों से मसाज करते हैं ऑयल लगाने के बाद, उस वो लोग भी इसको एज अ मसाजर भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत रिलैक्स कर देता है आपकी हेड की नर्व्स को, तो इसको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और दूसरा जो टूल है वो है मेकअप के लिए, जो लोग मेकअप करते हैं तो समर्स में जब भी आप मेकअप उतारें ज़रूर आप इस मिनी सू के प्रोडक्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक तरफ स्पॉन्ज जैसा ब्रश है और दूसरी तरफ सिलिकॉन ब्रश है, तो जब आप इसको फेस वॉश लगाने के बाद अपने फेस पर इससे मसाज करते हैं तो जो आपका मेकअप है बहुत ही डीपली ये रिमूव करता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा समर्स में। और ये इतना हैंडी है कि आप इसको अपने पर्स में रख सकते हो अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनके बाल जो है काफ़ी फ्रीजी हो जाते हैं समर्स के अंदर, और जब वो पोनी करते हैं या जूड़ा करते हैं तो वो छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो निकलते रहते हैं। मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है और उसके लिए मैंने ढूंढा अमेज़ॉन के ऊपर, ये इसको बोलते हैं स्लीक अप, लाइक ये आपके बालों को अच्छे तरीके से सेट कर देता है छोटे छोटे बालों को। काफ़ी ज़्यादा एड आपने इसकी देखी होगी इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, और इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और कमिंग बैक टू दी प्रोडक्ट, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने उन बालों को एक जगह पर टिकाने के लिए। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है कि छोटे छोटे बाल जो है निकल जाते हैं जूड़ा में से पोनी में से, तो वो इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ये अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने इसको भी ट्राई करके एक ही बार देखा है लेकिन रिजल्ट्स आर गुड। और जिन लोगों को बालों का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है उनको मैं सजेस्ट करूंगी ये प्रोडक्ट, ये है लॉरियल का मिथिक ऑयल स्पा।
तो बाहर जब हम स्पा कराते हैं पार्लर के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आई डोंट नो, मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता है, तो मैं बहुत रेगुलर स्पा के लिए नहीं जाती हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रही हूँ लास्ट 3 ईयर्स से। ये कोविड से पहले मुझे जो प्रोडक्ट है मेरे केमिस्ट शॉप ने मुझे सजेस्ट किया था। और इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आप जैसे नॉर्मली अपने बालों को शैम्पू कीजिए और उसके बाद कंडीशनर की जगह आप इसको अच्छे तरीके से अपने पूरे बालों में फैलाइए, गीले बालों के अंदर। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, मतलब आपको उस दिन कहीं नहीं जाना, फ्री हो, तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप बालों के अंदर इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप जल्दी में हो तो आप 3-4 मिनट के बाद भी रिंस कर सकते हो, रिजल्ट आपको तब भी मिलेगा। लाइक आपके बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। और वो लोग जो मुझसे पूछते हैं कि अपने बालों का आप हेयर केयर बताइए, आप अपने बालों को कैसे मेंटेन करती हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे बालों में। मैं वीकली ज़रूर इसको अच्छे तरीके से लगा कर बालों में छोड़ देती हूँ 15-20 मिनट के लिए, और कुछ और काम जो है करती रहती हूँ, और उसके बाद अपने बालों को रिंस कर देती हूँ। तो आपको वो जो महंगे हेयर स्पा है उनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो आपको जरूर ट्राई करके देखना चाहिए ये प्रोडक्ट अगर आपके बाल समर्स में बहुत फ्रीजी हो जाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और मुझे लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी मदद करेंगे इन समर्स को फेस करने के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक दे दीजिएगा। और अगर आपके भी कोई सजेशंस हो जो आप मुझे देना चाहते हैं कि आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर, तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।